हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लो विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे सेक्शन 5। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, क्वेश्चन डायरेक्टली सेक्शन 5 से नहीं आता। क्वेश्चन क्या आता है कि एडमिसिबिलिटी और रेलिवेंसी में क्या फ़र्क है, रेलिवेंसी क्या होती है और कैसी एडमिसिबिलिटी से डिफरेंट है। तो सेक्शन 5 को समझेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर मैं सेक्शन 5 की बात करूं, सबसे पहले आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के 3 पार्ट्स हैं और 11 चैप्टर्स हैं और 167 सेक्शंस हैं। तो जो आपका पार्ट वन है आपका, क्योंकि टोटल 3 पार्ट है ना, तो पार्ट वन का जो चैप्टर टू है वो डील करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के साथ। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के साथ सेक्शन 5 से लेकर 55 तक इसके बारे में बताया हुआ है। सेक्शन 5 से लेकर 55 तक, तो हमने ये सारे सेक्शन 1x1 पढ़ने हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बनते हैं। ये जितने भी सेक्शन मैंने आपको बताए, इसमें से तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स देखो, सेक्शन 5 जो है, सबसे पहले ये पता क्या बोलता है, ये बोलता है एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट एक्ट एंड रेलिवेंट फैक्ट। क्या बोलता है कि जब भी कोई केस चला हो तो उस केस में जो आप सबूत दोगे, जो आप एविडेंस दोगे, वो आप दोगे या तो रेलिवेंट फैक्ट के या आप दोगे फैक्ट इन ईशू के। हमने डेफिनेशन पोर्शन में पढ़ा था, फैक्ट इन ईशू का मतलब होता है डिस्प्यूटेड फैक्ट। जिन फैक्ट के ऊपर डिस्प्यूट होता है, एक पार्टी बोलती है फैक्ट है, दूसरी पार्टी मना कर देती है। एक पार्टी बोलती है ऐसा हुआ, दूसरी पार्टी बोलती है ऐसा नहीं हुआ। जिन फैक्ट्स पर डिस्प्यूट पैदा हो जाए वो फैक्ट इन ईशू, मुद्दे वाले फैक्ट हो जाते हैं। तो आप जो एविडेंस दोगे कोर्ट में, वो आप या तो फैक्ट इन ईशू के दोगे या आप रेलिवेंट फैक्ट के फैक्ट दोगे। रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है, हमने डेफिनेशन पोर्शन में पढ़ा था कि एक फैक्ट दूसरे का रेलिवेंट तब होता है अगर वो इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलिवेंसी वाले चैप्टर में कहीं भी किसी भी सेक्शन में आ जाए। और मैंने आपको बताया था सेक्शन 6 से लेकर 55 तक जो सेक्शंस होंगे वो रेलिवेंसी से डील करते हैं। बोलने का मतलब क्या हुआ, जब भी केस चलेगा तो जो आप एविडेंस दोगे, सबूत दोगे, या तो आप फैक्ट इन इशू को लेकर दोगे या आप रेलिवेंट फैक्ट को लेकर दोगे। रेलिवेंट फैक्ट का मतलब है वो फैक्ट जो सेक्शन 6 से लेकर 55 के बीच रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के चैप्टर में कहीं पर फाल कर जाए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो, जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको बनाने का पर्पस क्या था, उसको बनाने का पर्पस एक ये था कि भाई कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो, कोर्ट का टाइम बचाया जा सके। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक पर्सन ए है, इसका मर्डर हो चुका है। ही हैज़ बीन कमिटेड बाई समवन। किसने इसका मर्डर कर दिया। या मान लो बी जो है उसने ए का मर्डर किया, और कैसे किया, अपने घर बुलाया, ए को बी ने अपने घर बुलाया और अपने घर बुला के वहाँ पे इसको मार डाला, इसकी डेड बॉडी को ट्रंक में डालकर पानी में बहा दिया। या हम पहले वाला एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ए जो है उसने बी को 50,000 रुपया उधार दिया था, ए ने बी को पैसे उधार दिए थे ना, और बाद में ए ने अपने पैसे वापस मांगे कि मेरा 50,000 वापस कर दे। बी बोलता है ठीक है मैं दे दूंगा, तू मेरे घर आ जा पैसे लेने के लिए। ए अपनी वाइफ को बोलता है मैं अपने दोस्त के घर जाके आता हूँ, पैसे लेकर आता हूँ जो मैंने उसको दिए थे, हमारे काम आएंगे। वाइफ बोलती है जाओ, और जब जाता है ए बी के घर तो वापस आता ही नहीं, डेड बॉडी आती है वापस उसकी, ट्रंक में कोई लेकर आता है या ट्रंक में कहीं पर मिलता है डेड बॉडी उसकी पाई जाती है किसी नदी के किनारे। तो यहाँ पर जब कोर्ट में केस चला तो कोर्ट में
जो एडवोकेट थे वो बोलने लगे, जी ए का नाम ये है, ए यहाँ का रहने वाला है, जी ए सुबह 9 बजे उठता था, जी ए जो है सुबह 6 बजे उठता था, जी ए जो है वो खाने में हमेशा दाल ही खाता था, जो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं। अगर कोर्ट में आप ये सारी बातें बताने लग पड़े, ए क्या था, ए की क्या सिचुएशन थी, ए क्या खाता, क्या पीता, कब उठता, कब जागता, कब सोता, क्या करता क्या नहीं, तो कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो सेक्शन 5 ने बोल दिया भाई आपने इन सभी चीज़ों के लिए सबूत नहीं लेकर आने हैं। अब कोई ए का जो वकील है वो सबूत लेने आ जाए, सबूत लेकर आ जाए, देखो ये सीसीटीवी फुटेज, ए सुबह 9 बजे उठा था, देखो ये सीसीटीवी फुटेज, ए तो खाने में दाल ही खाता है, रोज दाल खा रहा है। कोर्ट बोलेगा क्या फायदा इन चीज़ों का बताने का। तो इसलिए सेक्शन 5 लाया गया, कोर्ट का टाइम नहीं वेस्ट करना है आपने। जो भी सबूत आपने देने हैं या तो अपने फैक्ट इन इशू को लेकर देने हैं, जो मुद्दे में फैक्ट है। अगर क्वेश्चन आ जाता है बाद में कि क्या बी ने ए को मारा, क्या बी ने ए को मारा, बी ने ए का मर्डर किया, तो इसके लिए कोई सबूत है आपके पास वो ले आओ आप। हाँ किया, कैसे किया, कुछ आपके पास आई विटनेस है, कोई सबूत है वो ले आओ। आप जो एविडेंस दोगे वो फैक्ट इन इशू के दोगे या रेलिवेंट फैक्ट के दोगे। रेलिवेंट फैक्ट मतलब क्या हुआ, सेक्शन 6 से 55 तक कहीं पे आ जाए, आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आता जाएगा। जैसे कि ए ने बी से 50,000 रुपया लिया था, ए ने बी को 50,000 रुपया दिया था और ए उस पैसे को वापस मांग रहा था, तो ए को मारने के पीछे बी का मोटिव क्या है, ताकि ए उससे पैसे ना मांगे, उसको तंग ना करे। तो ये मोटिव जो है ये फैक्ट रेलिवेंट हो जाएगा। कौन सा फैक्ट, कि ए ने बी को पैसे दिए थे उधार और बी से अब वो पैसे वापस मांग रहा था, ये फैक्ट रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि ये सेक्शन 8 में मोटिव की तरफ इशारा करता है। ए जो है वो बी के घर में गया, बी ने उसको बुलाया ना कि आज मुझसे पैसे ले जा, और ए बी के घर में गया। जब ए बी के घर में गया तो बी को क्या मिलगी, एक अपॉर्चुनिटी मिलगी, क्या करने की, ए का मर्डर करने की। जब बी को अपॉर्चुनिटी मिलगी, अवसर मिल गया, तो अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो ऐसा फैक्ट कहाँ रेलिवेंट होता है, सेक्शन 7 में। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो फैक्ट आपके रेलिवेंट है उनके लिए आप सबूत दे सकते हो, या जो फैक्ट इशू में है उनके लिए आप सबूत दे सकते हो, बाकी आप किसी भी चीज़ के लिए सबूत देकर कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो सेक्शन 5 यही बोलता है कि जब भी कभी कोई सूट चला हो, सिविल सूट चला हो, या कोई प्रोसीडिंग चली हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चली हो, तो आप जो एविडेंस दे सकते हो वो या तो फैक्ट इन इशू जो विवादित तथ्य हैं उनके लिए आप एविडेंस दे सकते हो, या रेलिवेंट फैक्ट जो रेलिवेंट फैक्ट हैं उनके लिए आप एविडेंस दे सकते हो। इसी सेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है कि अगर किसी भी पर्सन को, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी पर्सन को सिविल लॉ ने एविडेंस देने के लिए डिस एंटाइटल्ड कर दिया कि तुम एविडेंस नहीं दे सकते, तो चाहे वो जो एविडेंस देना चाहता था पर्सन वो रेलिवेंट हो, वो फैक्ट इन इशू में हो, वो जरूरी एविडेंस हो, फिर भी वो एविडेंस नहीं दे पाएगा जब तक वो सिविल लॉ के अनुसार उसको परमिशन ना मिल जाए एविडेंस देने की। मेरी बात समझने की कोशिश करना। एक पर्सन है वो एविडेंस दे सकता है, सिविल लॉ जो हमारा CPC है उसके अनुसार वो एविडेंस दे सकता है, उसको बोला गया वो एविडेंस दे, उसने नहीं दिया। अब CPC ने बोला तो क्योंकि तूने अब गवाही नहीं दी, एविडेंस नहीं पेश किया, विटनेस पेश नहीं किए, अब बाद में तू हमारे पास मत आना, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। और बाद में बंदा बोलता है जी रेलिवेंट है, सेक्शन 5 बोलता है हम रेलिवेंट फैक्ट का एविडेंस दे सकते हैं, तो मुझे देने दो। कोर्ट बोलेगा नहीं दे पाओगे। अब क्यों नहीं दे पाओगे, क्योंकि सेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि अगर एक बार तुम्हें डिस एंटाइटल्ड कर दिया गया सिविल लॉ के जरिए एविडेंस देने से, तो बाद में आप एविडेंस नहीं दे पाओगे उस चीज़ का, अनलेस अंटिल आपको सिविल लॉ परमिट ना कर दे, आपको परमिशन ना दे दे। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन में बोला गया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ ताकि एक आपको क्लियर हो जाए ज़्यादा। तो क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, लेक्चर अगर अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें लेक्चर को। लिखा हुआ है एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच फैक्ट विच आर हेयर आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट। अर्थात आप किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में वो एविडेंस दे सकते हो जो फैक्ट इन इशू के लिए हो या जो रेलिवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग हो,
कौन से रेलिवेंट फैक्ट, जो सेक्शन 5 के बाद आगे रेलिवेंट बताए गए हैं, मतलब सेक्शन 6 से लेकर 55 तक आगे इनको रेलिवेंट बताया गया है, उनके लिए आप एविडेंस दे सकती हो, एंड ऑफ नो अदर। इसके अलावा आप कोई भी सबूत देकर कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को प्रूव करने की जरूरत आपको नहीं है, केवल आप इन चीज़ों के लिए ही एविडेंस दे सकते हो, सबूत दे सकते हो, कोर्ट का टाइम ऐसे आप वेस्ट नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, दिस सेक्शन डज नॉट एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इज डिस एंटाइटल्ड टू प्रूव बाई एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू सिविल प्रोसीजर। एक्सप्लेनेशन बोलती है कि पर्सन अगर डिस एंटाइटल्ड हो गया CPC के अनुसार कोई एविडेंस देने से, तो बेशक वो फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट का एविडेंस हो, आप नहीं दे पाओगे जब तक कि CPC आपको अलो नहीं करती। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि A is tried for the murder of B. A के ऊपर केस चला है कि उसने B का मर्डर किया by beating, उसको मारकर with a club, with some कोई एक्स या कोई कुल्हाड़ी के साथ मारकर उसका मर्डर कर दिया with intention to causing death, उसको मारने के इरादे से। एक पर्सन ने दूसरे को मार दिया, मर्डर कर दिया एक नुकीली चीज़ के साथ इस इरादे से कि वो उसका मर्डर करे। तो यहाँ पर हम किस चीज़ की एविडेंस दे सकते हैं, या तो फैक्ट इन इशू के या रेलिवेंट फैक्ट के। इसमें फैक्ट इन इशू क्या बन सकते हैं, इस केस में जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ए ने बी का मर्डर कर दिया इंटेंशन के साथ नुकीली चीज़ से, इसमें फैक्ट इन इशू क्या बन सकते हैं, क्या ए ने बी का मर्डर किया, क्या नुकीली चीज़ से किया, क्या इंटेंशन के साथ किया, क्या नॉलेज के साथ किया। तो इन सभी के रिगार्डिंग आप सबूत दे सकते हो, या रेलिवेंट फैक्ट जो भी होंगे आप उनके रिगार्डिंग सबूत दे सकते हो। रेलिवेंट फैक्ट मतलब जो सेक्शन 6 से 55 के बीच आ जाएंगे आगे जाकर, है ना। और बी जो एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन को लेके वो क्या बोलता है, एग्जाम्पल कि ए सूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम एंड हैव रेडनेस फॉर प्रोडक्शन एट फर्स्ट हैविंग फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस अ बॉन्ड ऑन विच ही रिलाइज। एक पर्सन था, किसी पर्सन ने केस किया था, उस पर्सन को बोला गया तुम एक एग्रीमेंट लेकर आओ, फर्स्ट हियरिंग में लेकर आओ, और वो लाता अगर एग्रीमेंट तो बड़ा ही रेलिवेंट एग्रीमेंट था वो केस को, पर वो लेकर नहीं आया कोर्ट में, बाद में वो डिसएंटाइटल्ड हो गया, फिर वो एग्रीमेंट लेकर नहीं आ सकता। तो चाहे वो रेलिवेंट एग्रीमेंट था पर फिर भी वो लेकर नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि CPC ने उसको मना कर दिया वो एग्रीमेंट लाने से। तो ये तो हो गया एक पार्ट जो आपको सेक्शन 5 का समझ आ गया। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ से, रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी में क्या फ़र्क है। All facts which are relevant need not to be admissible. जितने भी रेलिवेंट फैक्ट होते हैं वो एडमिसिबल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो एडमिसिबल फैक्ट है वो रेलिवेंट होंगे ही होंगे, ऐसा क्यों। तो देखो स्टूडेंट्स, एक टर्म है एडमिसिबिलिटी, समझने की कोशिश करना। एक टर्म है एडमिसिबिलिटी और एक टर्म है रेलिवेंसी, दो टर्म है, दोनों में बहुत फर्क है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा समझ वो आ जाएगा। देखो ध्यान से मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ए जो है वो हस्बैंड है, बी जो वाइफ है, ए हस्बैंड है बी वाइफ है। ए हस्बैंड एक दिन अपने घर आता है और वाइफ को बोलता है कि ये पकड़ ज्वेलरी, ये 50 तोले सोना मैंने चुराया है, इसको अलमारी पे डाल दे छुपाकर, और मैं यहाँ से वो सोना चुरा के आया हूँ। ए हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला कि ये ले ज्वेलरी और मैं चुरा के लाया हूँ, मैंने इस घर से चुराया है, 50 तोले सोना है, तिजोरी में छुपा के रख दे। कल को ए के ऊपर केस चल पड़ा कि ए ने चोरी करी, और वाइफ कोर्ट में आकर बोलती है कि जज साहब मेरे पति ने मुझे बोला था कि वो चोरी करके आए हैं और ये सोना तिजोरी में रख दो। तो वैसे तो जो हस्बैंड ने वाइफ को बोला वो हमें रेलिवेंट लग रहा है, रेलिवेंट तो है, हस्बैंड ने वाइफ को अपनी कन्फेशन कर दी, अपनी बात बताई कि मैंने चोरी करी है, वो रेलिवेंट है। पर क्या वो एडमिसिबल है, क्या कोर्ट उसको मानेगा, नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि कानून बोलता है कि जो हस्बैंड है या वाइफ है वो एक दूसरे के अगेंस्ट हम उनकी गवाही नहीं लेंगे, ताकि एक पवित्र रिश्ता जो बना रहे। क्या मेरी बात समझ आ रही है, और किसी सबूत से हम हस्बैंड को हस्बैंड का केस प्रूव कर देंगे पर वाइफ की गवाही से नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो एक ए पर्सन जो है वो एक वकील है और बी जो है वो एक क्लाइंट है। बी जाता है ए के पास, बी ए के पास गया, बोला कि वकील साहब मुझे बचा लो, मैंने मर्डर कर दिया, मुझे बचा लो। वकील को पता चलता है बी तो मेरे दुश्मन का बेटा है, मेरे दुश्मन का बेटा है,
अब दुश्मनी निकालूंगा, अब बी को बताता हूँ। और कोर्ट में जाकर वकील बोलता है, जज साहब इसने खुद मेरे सामने कन्फेस किया, देख लो वीडियो रिकॉर्डिंग, देख लो कैमरा रिकॉर्डिंग, मेरे क्लर्क से पूछ लो, मेरे सर्वेंट से पूछ लो, ये सभी वहीं पे थे, ये खुद आया था मेरे पास, बोलता मैंने मर्डर कर लिया, मुझे बचा लो, तो इसने मर्डर किया है, आप केस में आगे मत बढ़ो, इसको सजा दो। कोर्ट जनरली देखा जाए तो एक पर्सन ने वकील को बोला कि मैंने मर्डर कर दिया, रेलिवेंट तो है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, रेलिवेंट लग रहा है बिल्कुल, पर ये एडमिसिबल नहीं है। अगर ऐसे वकीलों की गवाहियों को कोर्ट एडमिसिबल करने लग पड़ा तो कोई पर्सन भी वकीलों को अपने मन की बात बताएगा ही नहीं, सच्चाई बताएगा ही नहीं, वो डरेगा, या इसको कैसे बताऊँ। एक क्लाइंट जो वो अपने वकील को सच बताता है, बाकी वो झूठ बताए, पर वकील को सच बताता है ताकि वो उसे बचा सके, तो फिर वकील और क्लाइंट का रिलेशनशिप ही खत्म हो जाएगा। तो ये रेलिवेंट तो लगता है हमें, पर ये एडमिसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, दोनों के बीच किसी प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट चला हुआ है, किसी लैंड को लेके डिस्प्यूट चला हुआ है। ए बोलते जी मेरे पास रजिस्टर्ड डीड पड़ी हुई है, बहुत रेलिवेंट बात है जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ए जो है वो बता रहे हैं मेरे पास रजिस्टर्ड डीड है, मेरे नाम पर डीड है इस ज़मीन की, मेरे पास सेल डीड है, मैंने परचेज करी थी ज़मीन, मेरे पास पूरा एग्रीमेंट बना हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, रेलिवेंट भी है। बाद में क्या हुआ, जब कोर्ट में उस एग्रीमेंट को लाने की बारी आई तो पता क्या बोलता है वो, जी उस एग्रीमेंट में लिखा था कि मैं अपने होशोवास में ये ज़मीन जो है वो ए के नाम पे करता हूँ। कोर्ट बोलता है वो एग्रीमेंट कहाँ है, वो कहाँ पे है सेल डीड, जी वो तो है नहीं। तो ये जो फैक्ट है कि उसके पास सेल डीड है, उसमें ये लिखा था, ये रेलिवेंट है, पर सेल डीड नहीं है, तो ये फैक्ट एडमिसिबल नहीं होगा, कोर्ट नहीं मानेगा। एडमिसिबल तब होता जब वो एक्चुअल में ओरिजिनल सेल डीड लेकर आता, ओरिजिनल नहीं होते तो डुप्लीकेट लेकर आता, पर नहीं लेकर आया तो मतलब क्या हुआ, अब वो रेलिवेंट फैक्ट तो था पर वो एडमिसिबल नहीं है। तो रेलिवेंसी इज डिफरेंट थिंग, एडमिसिबिलिटी इज डिफरेंट थिंग। तो रेलिवेंसी हमेशा लॉजिक के ऊपर बेस करती है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस करती है। जैसे कि यहाँ देखो आप लॉजिक लगाया होगा आपने कि हस्बैंड ने वाइफ को बताया मैंने चोरी करी, तो ऑब्वियसली बात है रेलिवेंट ही होगा। यहाँ भी आपने लॉजिक लगाया, एक तरह से वकील को बताया तो रेलिवेंट ही होगा। यहाँ भी लॉजिक लगाया आपने कि यार भाई जब सेल डेट पड़ी हुई है तो रेलिवेंट ही होगी वो प्रॉपर। तो जो हमारा रेलिवेंसी है वो हमेशा लॉजिक के ऊपर बेस करती है, पर एडमिसिबिलिटी लॉ के स्ट्रिक्ट प्रोविजन के ऊपर बेस करती है। एडमिसिबिलिटी कभी भी लॉजिक के ऊपर बेस नहीं करती, ये स्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफ लॉ के ऊपर बेस करती है। दूसरा क्या डिफरेंस है, रेलिवेंसी के प्रोविजन सेक्शन 6 से 55 तक क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स कहाँ बताए हैं, 6 से 55। लेकिन अगर बात की जाती है एडमिसिबिलिटी की, इसके प्रोविजन सेक्शन 56 और उसके बाद शुरू होते हैं, 56 से लेकर आगे के जो सेक्शंस एविडेंस एक्ट में वो एडमिसिबिलिटी की बात करते हैं। फैक्ट्स विच आर रेलिवेंट आर नॉट नेसेसरली एडमिसिबल, अगर फैक्ट रेलिवेंट होंगे तो जरूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल भी होंगे, अगर फैक्ट रेलिवेंट होंगे तो जरूरी नहीं है वो एडमिसिबल भी होंगे, लेकिन अगर फैक्ट एडमिसिबल हैं तो वो रेलिवेंट होंगे ही होंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखो ध्यान से। मान लो ये जो है वो रेलिवेंसी है, ये सारे फैक्ट्स रेलिवेंट है, ये सारे फैक्ट रेलिवेंट है, इसमें जो एडमिसिबल होंगे वो छोटे से फैक्ट होंगे, अर्थात रेलिवेंसी लास्ट टर्म है। बहुत सारे फैक्ट्स रेलिवेंट हो सकते हैं, पर क्या वो फैक्ट एडमिसिबल होंगे, ये लॉ के स्ट्रिक्ट प्रोविजंस पे डिपेंड करेगा। और एडमिसिबल फैक्ट कम होते हैं, जो एडमिसिबल होंगे ना वो रेलिवेंट का हिस्सा तो है ही है, पर जो रेलिवेंट हैं वो एडमिसिबल होंगे जरूरी नहीं है। अब ये फैक्ट यहाँ पे रेलिवेंट है, ये एडमिसिबल तो नहीं है, एडमिसिबल तो बस इतने से फैक्ट हैं, ये रेलिवेंट फैक्ट है पर एडमिसिबल नहीं है, ये रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल नहीं है, ये रेलिवेंट है ये एडमिसिबल भी है। बोलने का मतलब क्या हुआ मेरा बच्चों, मेरा बोलने का मतलब ये हुआ कि रेलिवेंसी एक लार्ज टर्म है, बहुत सारे फैक्ट्स रेलिवेंट हो सकते हैं पर वो एडमिसिबल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, पर जो फैक्ट एडमिसिबल हुए वो रेलिवेंट तो होंगे ही होंगे। तो आप जनरल सी बात याद कर लेना कि जो हमने सेक्शन 5 से लेकर 55 तक फैक्ट्स पढ़े रेलिवेंट फैक्ट, वो फैक्ट रेलिवेंट तो हैं पर वो एडमिसिबल तब होंगे जब वो 55 के बाद के जो अगले सेक्शंस हैं जिसमें हम ओरल एविडेंस की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं, उन सेक्शंस के अनुसार एविडेंस भी उस रेलिवेंट फैक्ट के दिए जाएं। मतलब कि अगर बोल दिया गया कि मेरे पास सेल डीड पड़ी है तो रेलिवेंट तो है, पर फिर सेल डीड लेकर भी आओ, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आओ,
आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब आज ही कर लें लॉ के रिलेटिंग वीडियोस देखने के लिए। और साथ में अगर आपको लॉ के किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, इसमें हम लोग बच्चों को अपने हम लोग पेड नोट्स देते हैं, लेक्चर्स देते हैं, हम उनको जो है वो रिवीजन सेशन, शॉर्ट सेशन भी देते हैं, रिवीजन के लिए लॉन्ग सेशन भी देते हैं। अब एविडेंस एक्ट है, इसका पूरा सेशन भी हमारे पास बना पड़ा है, आप ले सकते हो। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं, पेड हैं पर जेन्युइन कॉस्ट पे मिलेंगे। और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए लॉ विद ट्विंस, हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए लॉ विद ट्विंस। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।